हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नींबू के अचार की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी। कैसे आप अपने घर पे बना सकते हैं नींबू का अचार, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने 1 केजी नींबू लिया है और मैं नींबू के छिलके को हटा दी हूँ, क्योंकि इस नींबू का छिलका बहुत मोटा था। आप चाहें तो बिना छिलका हटाए बना सकते हैं। तो हमने नींबू को 4 पीसेस में काट लिया है। तो हमने नींबू को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था और इसको हम 6 से 7 दिन तक धूप में सुखाया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। अचार बनाने के लिए हमने 1 चम्मच सौंफ लिया है, ये 1 चम्मच जीरा, ये 1 चम्मच अजवाइन। अब मैं इसको चला चला कर भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चट चट आवाज़ आ रहा है, जब चट चट आने लगे तो आप समझिए कि भुना गया है। अब मैं सारे मसाले को मिक्सर में रख कर पीस लूँगी। तो हमने मिक्सर में पीस लिया है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। अब मैं इसको नींबू में डाल देंगे। फिर मैं इसमें 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। अब मैं सारे मसाले को डालकर अच्छे से चला लेंगे ताकि एक दूसरे में मिल जाए मसाले। फिर से मैं इसको 2 से 3 दिन धूप में सुखा लूँगी। 2 से 3 दिन धूप में सुखाने के बाद हम एक जार में रख लेंगे। इसको आप सालों भर खाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो हमने अचार को 2 से 3 दिन धूप में सुखा लिया है, अब इसको हम जार में रखेंगे। जार में हमने अचार को रख दिया है, अब इसको आप सालों भर खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये अचार बहुत ही टेस्टी हुआ है और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आप भी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए ये रेसिपी और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप तक उस रेसिपी ज़रूर पहुँचाऊँगी। थैंक यू सो मच।